रसूल करीम आबाद। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों भाइयों, हर खैर और शर का अल्लाह ही खालिक और मालिक है। हर हाल तने तनहा अल्लाह के हुक्म से आता है। हर हाल के आने का ताल्लुक बराह रास्त अमाल से है। इस वक्त सारा आलम एक वबा का शिकार है और ये बात यकीनी है कि यह वबा हमारे बुरे अमाल की बदली हुई सूरत है। जब बंदा अपने बनाने वाले से दूर हो जाता है तो बनाने वाला इसको अपने करीब लाने के लिए इस पर हालात लाता है। इसलिए एक अहम दरख्वास्त करनी है। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा तआवुन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। किसी भी बीमारी का इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए इसका अहतमाम करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ दुआ और सदक़ात और रात के क़याम और तहज्जुद और सलातुल हाजा के ज़रिए मुतवज्जे रहें। नीज़ अपने ज़रूरतमंद पड़ोसियों का ख्याल करें, कोई हमारा पड़ोसी भूखा ना सोए। हर एक की अपनी ताकत के बक़दर मदद करें। जब हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारगी से, एक दूसरे के साथ हमदर्दी से पेश आएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा बनाने वाला हमारे साथ नरमी का, रहम का मामला फरमाएंगे। फ़क़त वस्सलाम, बंदा मोहम्मद साहब।